गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ परेश कलसरिया। हमने आगे के वीडियो के अंदर स्टडी ऑफ प्योर कल्चर बायोकेमिकल टेस्ट में थोड़ी सी टेस्ट देखी, अराउंड 7 to 8 टेस्ट, और दोज टेस्ट मेजोरिटी बेस्ड ऑन एंजाइम लाइक केजिनस है तो केजिन हाइड्रोलाइज करता है, लाइक जिलेटिन हाइड्रोलाइज जिलेटिन, लाइक यूरिया हाइड्रोलाइज यूरिया, तो एमाइलेज हाइड्रोलाइज स्टार्च। तो ऐसे हमने 7 या 8 अलग अलग टेस्ट देखी। हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस सम अनदर टेस्ट और उसके नाम है इम्विक टेस्ट एंड ट्रिपल शुगर आयन टेस्ट। इम्विक टेस्ट हम नाम से ही पता चलता है कि आई स्टैंड्स इंडोल टेस्ट, एम स्टैंड्स मिथाइल रेड टेस्ट, वी स्टैंड्स वगस प्रोस्कर्स टेस्ट एंड सी स्टैंड साइट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट। एंड दूसरा टेस्ट है दैट इज ट्रिपल शुगर आयन टेस्ट। नाम से ही आप आइडिया लगा सकते हो कि 3 शुगर है और इन द प्रेजेंस ऑफ आयन हाउ बैक्टीरिया रिएक्ट, हाउ बैक्टीरिया प्रोड्यूस रिजल्ट, वो हमें चेक करना है। तो हियर वी आर गोइंग टू फर्स्ट डिस्कस अबाउट इंडोल टेस्ट। इंडोल टेस्ट के अंदर आपको सिंपल क्या करना है कि आई एम गिविंग यू प्रोटोकॉल फर्स्ट कि यू हैव टू टेक 1 स्टराइल 1% ट्रिप्टोन ब्रोथ। स्टराइल 1% ट्रिप्टोन ब्रोथ के अंदर यू हैव टू इनोकुलेट बैक्टीरियल कल्चर सस्पेंशन विद द हेल्प ऑफ स्टराइल निक्रोम वायोलोप, यू हैव टू पुट इट इनक्यूबेटर फॉर 37 डिग्री सेंटीग्रेड 24 आवर्स। आफ्टर पुटिंग इट इन इंक्यूबेशन तो आपको क्या करना है, वो ट्यूब्स लेनी है और वो ट्यूब के अंदर आपको क्या ऐड करना है, कोवाक्स रिएजेंट ऐड करना है। कोवाक्स रिएजेंट ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू ऑब्जर्व फॉर द पिंक रिंग, ब्राइट रेड कलर। अगर आपको वो ब्राइट रेड कलर दिखेगा, राइट, उसका शेड पिंकिश कलर का आएगा, तो आप बोल सकते हो कि इंडोल टेस्ट पॉजिटिव है। अगर आफ्टर एडिंग कोवाक्स रिएजेंट आपको अगर वो ब्राइट रेड कलर या पिंक कलर ऑब्जर्व नहीं होता है तो इंडोल टेस्ट नेगेटिव। प्रिंसिपल क्या है आप वो देख लो कि इंडोल रिएक्ट्स विद पेरा डाई मिथाइल एमाइनो बेंजाल्डिहाइड, आप ये पूरा नाम याद रखना, पेरा डाई मिथाइल एमाइनो बेंजाल्डिहाइड एंड गिव्स पिंक कलर, ठीक है। तो सो टू चेक इफ द इंडोल इज प्रोड्यूस अ रिएजेंट कंटेनिंग दिस कंपाउंड इज एडेड टू मीडियम, राइट। तो यहाँ पे मीडिया के अंदर क्या करता है कि जब भी आप इंक्यूबेशन में रखते हो तो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है जो आपने डाला है, अगर वो ट्रिप्टोन का यूज़ करके उसमें से इंडोल प्रोडक्शन करता है, तो अगर इंडोल का प्रोडक्शन होगा, ठीक है, तो आप कोवाक्स रिएजेंट डालते हो और कोवाक्स रिएजेंट के अंदर ये कंपोनेंट से पेरा डाई मिथाइल अमाइनो बेंजाल्डिहाइड, तो इंडोल का प्रोडक्शन होगा, तो इंडोल रिएक्ट्स विद दिस कंपोनेंट एंड गिव्स पिंक कलर, राइट। तो उसका मीनिंग डायरेक्टली ये हुआ, टेस्ट का नाम है इंडोल प्रोडक्शन टेस्ट, तो हम ये पता लगाते हैं कि अगर पिंक कलर प्रोड्यूस हो तो इंडोल प्रोडक्शन, अगर पिंक कलर नहीं है तो इंडोल का प्रोडक्शन नहीं हुआ है। बट इनडायरेक्टली वी चेकिंग कि अंदर बैक्टीरिया है वो इंडोल प्रोड्यूस करते हैं या नहीं, वो हम डायरेक्टली चेक करते हैं बाय दी पिंक कलर। अगर कोवाक्स रिएजेंट नहीं है आपके पास, राइट, तो यू कैन यूज़ एरलिश रिएजेंट, बट इन दैट आपको क्या पहले ऐड करना पड़ेगा, 3-4 ड्रॉप्स ऑफ जाइलिन, राइट, शेक वेल, अलाउ द 2 लेयर टू सेपरेट, 2 लेयर सेपरेट हो गए बाद आपको क्या करना है, स्लोली 1 ml एरलिश रिएजेंट एंड सेम ऑब्जर्वेशन यू हैव टू ऑब्जर्व एंड यू कैन प्रेडिक्ट कि आइदर टेस्ट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इंडोल टेस्ट। अब यहाँ पे हम 2 टेस्ट डिस्कस करने, मैं 2 टेस्ट का एक साथ प्रोटोकॉल बोलूँगा, यहाँ पे हमें 2 टेस्ट करने हैं, MR एंड VP टेस्ट, मिथाइल रेड टेस्ट एंड वगर प्रोस्कर टेस्ट। तो सिंपल हमें क्या करना है कि एक ही मीडिया यूज़ करना है दोनों का कंबाइंड, दैट इज़ अबाउट ग्लूकोज फॉस्फेट ब्रोथ। नाम से ही पता चलता है कि ब्रोथ इज नोन एज लिक्विड मीडिया, लिक्विड मीडिया के अंदर ग्लूकोज एज अ कार्बन सोर्स एंड फॉस्फेट एज अ बफर कंपोनेंट, ठीक है। तो ये स्टराइल ग्लूकोज फॉस्फेट ब्रोथ हमें लेना है इन विच वी इनोक्यूलेट बैक्टीरियल कल्चर सस्पेंशन विद द हेल्प ऑफ स्टराइल निक्रोम वायर लूप। आफ्टर इनोक्यूलेशन वी पुट दिस स्टराइल GPB, जो स्टराइल GPB थी उसके अंदर इनोक्यूलेशन किया, तो उसको आप बोलेंगे इनोक्यूलेटेड GPB। तो ये इनोक्यूलेटेड GPB की जो ट्यूब है वो हम इंक्यूबेटर में रखेंगे, आफ्टर पुटिंग इन इंक्यूबेशन हम क्या करेंगे उसको कि दूसरे दिन आके हमें ये जो GPB ब्रोथ के अंदर जो ग्रोथ हुआ है ऑर्गेनिज्म का जो हमने इनोकुलेट किया उसको हम दो टेस्ट ट्यूब स्टराइल टेस्ट ट्यूब होगी उसके अंदर हम डिवाइड कर लेंगे, एक टेस्ट के अंदर MR परफॉर्म करेंगे और एक के अंदर GP टेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो अब ये दोनों के लिए सेम प्रोटोकॉल रहेगा कि यू इनोकुलेट GPB विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया कल्चर सस्पेंशन, इंक्यूबेशन में रखना, इंक्यूबेशन करने के बाद MR टेस्ट में क्या करना है उसके अंदर क्या करना है कि MR टेस्ट के अंदर जो GPB के अंदर बैक्टीरिया का ग्रोथ हुआ है, राइट, उसके अंदर आपको मिथाइल रेड इंडिकेटर डालना है एंड व्हेन यू ऐड मिथाइल रेड इंडिकेटर तो आपको देखा गया कि द डेवलपमेंट ऑफ रेड कलर इन द ब्रोथ, और अगर ये डेवलपमेंट ऑफ रेड कलर स्टेबल रहता है थोड़ी मिनट्स के लिए, 5 या 7 मिनट्स के लिए, तो हम बोलेंगे कि स्टेबल
रेड कलर इन द ब्रोथ राइट दैट इंडिकेट एमआर टेस्ट पॉजिटिव। सिंपल यहाँ पे क्या होता है कि दिस इज बिकॉज, ये क्यों होता है कि दिस इज बिकॉज ऑफ फैक्ट दैट मीडियम जीपी भी स्ट्रॉन्गली बफर, नाम से पता चल चुका है कि फॉस्फेट ब्रोथ ठीक है। तो माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ एसिड इफ प्रोड्यूस विल नॉट परमिट द पीएच ऑफ द मीडियम टू ड्रॉप डाउन, और मिथाइल ट्रेड वो क्या है पीएच इंडिकेटेड डाई। तो अगर वो ग्लूकोज एज अ कार्बन सोर्स है, बैक्टीरिया ग्लूकोज को यूज करेगा ठीक है, तो एसिड प्रोडक्शन होगा, और इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड मीडिया की पीएच कैसी हो जाएगी, लो हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी। और लो पीएच के अंदर मिथाइल रेड क्या कलर देता है, रेड कलर देता है राइट। तो जो रेड कलर फॉर्मेशन हुआ दैट मीन्स इनडायरेक्टली वी चेक कि प्रेजेंस ऑफ एसिडिटी और प्रेजेंस ऑफ एसिड ठीक है। तो अगर रेड कलर डेवलप होता है तो एम आर टेस्ट पॉजिटिव, अगर रेड कलर डेवलप नहीं होता है तो एम आर टेस्ट नेगेटिव ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट एम आर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वोगस प्रोसेस, सेम प्रोटोकॉल जो मैंने आपको बताया कि यू हैव टू टेक वन स्टराइल ग्लूकोज फॉस्फेट प्रोब, इनोक्यूलेट करना है बैक्टीरिया कल्चर सस्पेंशन को, इंक्यूबेट में रखना है, आफ्टर इंक्यूबेशन आपको ये ट्यूब के अंदर क्या करना है, तो आपको उसके अंदर रिएजेंट ऐड करना है, और वो रिएजेंट का नाम यहाँ पर दिया गया है कि पहले आपको 0.6 ml अल्फा नेप्थोल डालना है, 0.6 ml अल्फा नेप्थोल डालने के बाद आपको क्या अंदर ऐड करना है, 0.2 ml KOH सॉल्यूशन, अल्कली सॉल्यूशन है वो आपको डालना है। तो व्हेन यू ऐड 0.6 ml अल्फा नेप्थोल आफ्टर द 0.2 ml KOH सॉल्यूशन आफ्टर एडिंग राइट, आपको उसको शेक करना है, शेक करने के बाद उसको थोड़ा स्लंट पोजिशन में स्लोप करके रखना है, तो उसको ज़्यादा एरेशन मिलेगा। एंड आफ्टर 15 to 30 minutes यू हैव टू ऑब्जर्व फॉर रेड और अ पिंक कलर, अगर रेड और पिंक कलर उसकी सरफेस पर फॉर्म होता है दैट मीन्स वीपी टेस्ट पॉजिटिव। ये क्यों फॉर्मेशन होता है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि वीपी टेस्ट क्या डिटेक्ट करती है, तो ये नोट कर लो कि वो एम आर टेस्ट के अंदर हम क्या डिटेक्ट करते थे, एसिडिटी चेक करते थे, वीपी टेस्ट के अंदर हम क्या डिटेक्ट करते, डिटेक्ट एसिटोइन राइट। तो यहाँ पे आप प्रिंसिपल में देखो कि द प्रेजेंस ऑफ अल्कली एन एयर, अल्कली दैट मीन्स KOH आपने एड किया, एयर दैट मीन्स आपने स्लोप पोजिशन में रखा, तो एसीटोइन आपने शेकिंग किया और फिर आपने स्लंट पोजीशन में रखा, तो मोर सरफेस एरिया रिएक्ट्स विद एरेशन, एसीटोइन इज ऑक्सीडाइज टू डाई एसिटाइल राइट। तो एसीटोइन का ऑक्सीडाइज होके का किस में फॉर्म होगा, डाई एसिटाइल में, विच रिएक्ट्स विद द ग्वानिडिन न्यूक्लियस ऑफ आर्जिनिन प्रेजेंट इन प्रोटीन ऑफ पेप्टोन टू प्रोड्यूस पिंक कलर। अगर पता नहीं चला तो अगेन आई रिपीट, मैं जो बोल रहा हूँ आपको फोकस करना कि पेप्टोन है, प्रोटीन ऑफ पेप्टोन उसके अंदर राइट, तो पेप्टोन के अंदर क्या है, आर्जिनिन न्यूक्लियस है, आर्जिनिन है, आर्जिनिन के अंदर ग्वानिडिन न्यूक्लियस है राइट, आर्जिनिन के अंदर ग्वानिडियम रिंग आती है वो आपको पता है, आर्जिनिन इज एन अमाइनो एसिड, तो आर्जिनिन प्रेजेंट इन पेप्टोन, और ये आर्जिनिन के अंदर जो ग्वानिडियम न्यूक्लियस है राइट, उसके साथ कौन रिएक्ट होगा, डाई एसिटाइल रिएक्ट होगा ठीक है। और डाई एसिटाइल कहाँ से मिलता है, तो एसिटोइन में से मिलता है ठीक है। तो एट टाइम अ पिंच ऑफ क्रिएटिन इज एडेड टू प्रोवाइड एन एडिशनल सोर्स ऑफ ग्वानिडिन न्यूक्लियस एंड दस एक्सेलरेट पिंक कलर फॉर्मेशन, द टेस्ट इज मेड सेंसिटिव बाय एडिंग अल्फा नेप्थोल विच सर्व एज अ कैटालिस्ट। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि अल्फा नेप्थोल एंड KOH क्यों ऐड करता है, कि KOH प्रोवाइड अल्कली कंडीशन, एरेशन कैसे प्रोवाइड करते हैं, तो बाय शेकिंग एंड बाय पुटिंग इन स्लोप पोजिशन एंड अल्फा नेप्थोल एक्ट एज अ कैटालिस्ट ठीक है। तो यहाँ पे आप रिएक्शन देख सकते हो कि ग्लूकोज था उसमें थे क्या प्रोडक्शन होता है, तो एसीटोइन को कन्वर्जन किस में होता है, डाई एसिटाइल में। और दूसरा रिएक्शन, तो पहले रिएक्शन में क्या मिला, ग्लूकोज में से एसीटोइन, एसीटोइन में से डाई एसिटाइल। अब दूसरे रिएक्शन में क्या होता है कि डाई एसिटाइल रिएक्ट्स विथ हम कह सकते हैं कि आर्जिनिन राइट, और आर्जिनिन के अंदर जो गनेडियम न्यूक्लियस होता है उसके साथ, और वो पिंक कलर देगा। तो अगर पिंक कलर प्रोडक्शन होता है तो हम बोलते हैं कि भाई वीपी टेस्ट पॉजिटिव, अगर नहीं होता है वीपी टेस्ट नेगेटिव, दैट मीन एसिटोइन प्रोडक्शन एंड एसिटोइन एब्सेंस रिस्पेक्टिवली। अब दो टेस्ट बाकी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है और बहुत ही ईजी है, साइट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट, ऐसा टेस्ट कि जिसमें बैक्टीरिया साइट्रेट यूटिलाइज कर सकता है या नहीं। साइट्रेट वी कैन से साइट्रेट इज अ सोर्स ऑफ कार्बन ठीक है। तो मैं आपको प्रोटोकॉल करके दे दूँ कि उसके अंदर आपको क्या करना है, कि आपको एक स्टराइल सीमेंट सिट्रेट अगर स्लंट है जो ग्रीन कलर का आता है, वो स्टराइल सीमेंट सिट्रेट अगर स्लंट के अंदर यू हैव टू स्ट्रिक बैक्टीरियल कल्चर सस्पेंशन विद द हेल्प ऑफ स्टराइल निक्रोमायलु, आफ्टर स्ट्रिकिंग यू हैव टू पुट इन इंक्यूबेटर, आफ्टर पुटिंग इन इंक्यूबेशन आपको उसके अंदर कलर चेंज देखना है कि कैसा कलर चेंज होता है ठीक है। तो आपको पता है कि साइट्रेट इज अ सोल सोर्स ऑफ कार्बन, क्या करता है कि अंडर अल्कलाइन कंडीशन
The pH indicator dye turns the medium from dark green to Persian blue. तो अगर blue color develop हुआ है, ठीक है, तो blue color क्या indicate करता है कि presence of alkaline condition. देखो कि principle में क्या लिखा है कि organism media के अंदर citrate तो ही, तो organism they degrade citrate must use ammonium salt. एमोनियम सोल्ट भी उसके अंदर है मीडिया के अंदर, दैट सर्व एज अ सोल सोर्स ऑफ नाइट्रोजन. तो साइट्रेट कार्बन सोर्स है, एमोनियम सोल्ट है वो नाइट्रोजन सोर्स है. एंड एंड इन द प्रोसेस दे प्रोड्यूस राइट एमोनिया, एंड एमोनिया प्रोडक्शन होने से मीडिया कैसा हो जाएगा, अल्कलाइन हो जाएगा. और अगर अल्कलाइन हो गया तो पीएच इंडिकेटर डाई क्या कन्वर्ट करती है, ग्रीन कलर को पर्शियन ब्लू या तो ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देगी. तो ये क्या इंडिकेट करता है, साइट्रेट टेस्ट पॉजिटिव. ठीक है, तो हमें जो ऑब्जर्वेशन होता है वो हमें लिखना है. तो ये बहुत ही सिंपल टेस्ट है. दूसरा एक लास्ट टेस्ट है, दैट इज़ TSI ट्रिपल शुगर आयन टेस्ट. तो डायरेक्टली मैं आपको पहले प्रोटोकॉल दिखा देता हूँ कि प्रोटोकॉल में आपको क्या करना है, कि प्रोटोकॉल के अंदर आपको एक स्टराइल ट्रिपल शुगर आयन अगार स्लांट लेना है. ठीक है, यानी क्या बोला, स्टराइल ट्रिपल शुगर आयन अगार स्लांट राइट. आप देखोगे तो आपको नॉर्मली सेफ्रॉन कलर का वो दिखेगा, उसके अंदर आपको क्या करना है, यू हैव टू स्ट्रिक बैक्टीरियल कल्चर सस्पेंशन विद द हेल्प ऑफ स्टराइल निक्रोम वायर लूप. ठीक है, तो स्टिकिंग करने के बाद यू हैव टू पुट इट इन इंक्यूबेटर फॉर 37 डिग्री सेंटीग्रेड ओवरनाइट और 24 आवर्स आफ्टर इंक्यूबेशन. यू हैव टू ऑब्जर्व द कलर चेंजेस इन स्लांट बट पोर्शन एट बेस, ये आपको देखना है. एंड दूसरा आपको स्टिकिंग के साथ स्टेबिंग भी करना है. ठीक है, आफ्टर स्टिकिंग एंड आफ्टर स्टेबिंग यू हैव टू पुट इन इंक्यूबेटर, ये दोनों चीज़ मत भूलना, स्टेबिंग भी करना है. ठीक है, तो सिंपली आप प्रोटोकॉल देख लो या तो आप प्रिंसिपल समझ लो, दोनों चीज़ यहाँ पे मैं आपको कंबाइन बोलूँगा कि ट्रिपल शुगर का मीनिंग क्या है, कि यहाँ पे तीन शुगर है, लैक्टोज सुक्रोज एंड ग्लूकोज, तीनों का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, उसका रेशियो 10:10:1. दैट मीन्स 1% लैक्टोज 1% सुक्रोज एंड ग्लूकोज इज 0.1%. दैट मीन्स कि ग्लूकोज का अमाउंट बहुत ही कम है. ठीक है, दोनों शुगर 10:10 पार्ट है और ग्लूकोज 1 पार्ट है. दैट मीन्स 0.1% ग्लूकोज. अब देखो कि अगर बैक्टीरिया हमने अंदर डाला वो ग्लूकोज का ही फर्मेंटेशन करेगा, तो इतना एसिड प्रोडक्शन नहीं होगा कि वो बट को भी येलो कर दे. ठीक है, तो ओनली वो बट को ही येलो करे, स्लांट विल रिमेन जो उसका ओरिजिनल कलर है वो. ठीक है, तो सिंपली मैं आपको समझा देता हूँ कि हमारे पास तीन शुगर है, लैक्टोज सुक्रोज एंड ग्लूकोज. ग्लूकोज का अमाउंट बहुत ही कम है, तो इनफ एसिड प्रोडक्शन नहीं होगा ड्यू टू लेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज. तो जितना भी एसिड प्रोडक्शन ग्लूकोज को यूटिलाइज करने से होगा वो ओनली टर्न्स किसको करता है, बट को येलो करता है. स्लांट वाला जो पोर्शन है स्लांट का, वो तो जो एज इट इज़ है वो ही रहेगा. ठीक है, तो अगर खुली ओनली बट ही येलो कन्वर्जन होता है, दैट मीन्स कि ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन हुआ. अब यहाँ पे हम बात करते हैं लैक्टोज एंड सुक्रोज की. अगर लैक्टोज और सुक्रोज का फर्मेंटेशन हुआ तो लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड विल प्रोड्यूस इन विच टर्न्स होल स्लांट इन टू येलो कलर. और ये येलो कलर क्या इंडिकेट करता है, एसिड प्रोडक्शन. ठीक है, तो अगर पूरा स्लांट हो गया तो हम बोल सकते हैं कि भाई लैक्टोज और सुक्रोज का फर्मेंटेशन और उसका अमाउंट भी ज़्यादा है, तो इनफ एसिड प्रोडक्शन होगा. अब हम आयन की बात करते हैं. सेम मैंने 2% पेप्टन वाली टेस्ट के अंदर डिस्कस किया था आगे वाले वीडियो में, कि आयन हमने बात किया था कि कोई भी प्रोटीन है यार, तो उसके अंदर हम बात करते हैं कि भाई सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है, और सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है तो अमाइनो एसिड पर जस्ट सल्फर, तो डीसल्फ्यूरेशन जमाएगा, सल्फर को रिमूव करेगा अमाइनो एसिड में से, और वो सल्फर रिएक्ट विथ वाटर इट प्रोड्यूस H2S, और ये हाइड्रोजन सल्फाइड है वो रिएक्ट कर सकता है या तो आयन के साथ या तो लेड के साथ. तो वो टेस्ट के अंदर हमने लेड एसिड पेपर शीट रखी थी, तो लेड सल्फाइड प्रोडक्शन होता था. यहाँ पे H2S रिएक्ट्स विद आयन, और आयन ऑलरेडी मीडियम के अंदर प्रेजेंट है, तो आयन सल्फाइड प्रोडक्शन होगा और वो हमें ब्लैक कलर का दिखेगा. ठीक है, तो अगर ब्लैक कलर दिखता है स्लांट के अंदर तो दैट इंडिकेट्स H2S प्रोडक्शन. मीडियम के अंदर फिनोल रेड इंडिकेटर डाई हमने डाले, पीएच इंडिकेटर डाई. तो अगर एसिडिक कंडीशन है तो येलो टर्न होगा, और अगर अल्कलाइन कंडीशन तो रेड होगा. तो यहाँ पे हमने येलो कलर की बात की, ब्लैक कलर की बात की जो H2S इंडिकेट करता है. अब हम अल्कलाइन कंडीशन की बात की, अगर स्लांट का कलर हम बोलते हैं कि रेड हो गया, ठीक है, तो रेड कैसे होगा कि मीडियम के अंदर पेप्टोन है, पेप्टोन इज द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन. तो जब भी पेप्टोन का यूटिलाइजेशन होगा, जब ग्लूकोज खत्म हो गया और पेप्टोन का यूटिलाइजेशन स्टार्ट हुआ, तो पेप्टोन के प्रोडक्ट है वो सब अल्कलाइन प्रोडक्ट्स है. पेप्टोन का अगर यूटिलाइजेशन होगा तो अल्कलाइन प्रोडक्ट्स बनेंगे, और ये अल्कलाइन प्रोडक्ट्स वो अल्कलाइन कंडीशन क्रिएट करेगी. इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन कंडीशन फिनोल रेड पीएच इंडिकेटर डाई
गिव्स रेड कलर, ठीक है। तो ये आपको ऑब्जर्व करना बहुत ही, आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा, और ये बहुत ही इजी टेस्ट है। तो ये हमने बात कर लिया अबाउट, हम कहते हैं कि ट्रिपल शुगर आयन। तो इन दिस वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट टोटल 5 टेस्ट, राइट? इंडोल, MR, VP, साइट यूटिलाइजेशन टेस्ट एंड ट्रिपल शुगर आयन टेस्ट। तो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। पूरा अगर हम मिला के करें तो अराउंड हमने 12 to 13 जितनी टेस्ट है वो डिस्कस कर लिए। यू कैन प्रिपेयर नोट्स, आप 2-3 बार देखोगे तो ये वीडियो आपको याद रह जाएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस वीडियो, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।